हेलो एवरीवन, तो आज हम कुछ क्राफ्ट की एक्टिविटी करने वाले हैं, ठीक है। अब क्राफ्ट एक्टिविटी में हम क्या करने वाले हैं, हम बनाने वाले पार्टी मास्क, ठीक है। अब देखो पार्टी मास्क कहाँ पे, जैसे आपके किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी रहती है तो वहां पे आप तैयार होके जाते हो, तो इस तरीके से आप थीम के हिसाब से अलग अलग तरीके के मास्क बना सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए हमें चाहिए कुछ मटेरियल, तो वो मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। कोई भी कलर्स के कलरफुल शीट्स चाहिए आपको, एक बड़े साइज की और अलग अलग इसमें कुछ ऐसे डिफरेंट डिफरेंट शेप। अब ये वाले में थोड़ा सा बर्ड वाला फील आएगा, इसलिए ये वाला इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाला शेप हमने कैसे बनाया, यहाँ सबसे पहले हमने एक सर्कल बना लिए, उससे थोड़े दूर पे हमने एक पॉइंट लिए सेंटर में और ये दो कॉर्नर्स को इस तरीके से जोड़ दिए, ठीक है। तो ये वाटर ड्रॉप की जैसे दिख रहा है ना, तो इस जैसे आप इसको यूज कर सकते हो। अब ये वाले कट गए, अब ये वाले शेप के बाद में ये वाला इसके अंदर आएगा, तो इसका साइज से छोटा दिख रहा है आजू बाजू से बॉर्डर। अब इसके बाद में ये वाला दूसरा एक और शेप है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के शेप्स लेना हमको, ठीक है। अब ये वाला सर्कल कैसे, इससे भी थोड़ा छोटा है, तो इस तरीके से एक दूसरे के अंदर आएगी ये, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसके बाद में हमको क्या चाहिए, चिपकाने के लिए ग्लू, थोड़ा बहुत कटर के। ये कटर आप अपने मम्मी पापा या बड़े भैया, जो भी आपके घर में बड़े होंगे उनके साथ यूज करोगे, ठीक है, अपने मन से नहीं करोगे। सीजर्स और कटर्स ये आपको पेरेंट्स के साथ में यूज करना है। उसके बाद में मार्कर, कुछ कुछ जगहों पे जब से हमको आउटलाइंस करना या बॉर्डर्स देनी है उसके लिए। इवन आप लोग ग्लिटर्स भी यूज कर सकते हो अगर आपके पास है तो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हमको देखना है कि अब हमारा जो भी मास्क बनेगा तो वो दोनों पार्ट में एक जैसा होगा, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन कई बार क्या होता है, हमसे दोनों पार्ट में एक जैसा ड्रॉ नहीं होता है, तो उसके लिए हमारे पास में एक निंजा टेक्निक है, वो हम यूज करेंगे। कैसे, तो हमारे पेपर को हमको क्या करना है, फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। इस तरीके से फोल्ड करोगे और इसके ऊपर आपकी वन आई के ऊपर में, यानी नोज, यहाँ पे नोज वाला पोर्शन आएगा, नोज और ईयर ये दोनों के बीच में जो पोर्शन है इसको ही हमको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे आपको जो भी डिजाइन ड्रॉ करना है आप ड्रॉ कर सकते हो, तो उसी का सिमेट्री उस साइड में। सिमेट्री मीन्स क्या होता है, किसी भी पार्ट के दोनों सेम पार्ट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्री बोलते हैं, ठीक है। अब ये बनाते समय हमने यहाँ पे ड्रॉ किए, अब ये वाला मैं आपको कट करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, अब ये हमारा, हमने इस तरीके से इसको डिजाइन करके काटे, तो आप भी इस तरीके से इसको देखोगे, ठीक है। इसके बाद में इसको ऐसे ओपन किए तो देखो पूरी सिमेट्री एक जैसे आई है ना। इस तरीके से हमको इसको ड्रॉ करना है, समझ में आया। और इसको जब कटिंग करोगे हिलने डुलने नहीं देना है इसको, ठीक है। तो उसको अच्छे तरीके से कट करोगे। अब यहाँ पे आईज वाला भी जो पोर्शन है वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब इसमें देखो ये हमने इसके ये एक प्लेन डिजाइन बनाए, इसके अंदर में हमने ये इस तरीके से आंखों के पास वाले पोर्शन के लिए एक और ये पीस काटे है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके अंदर हमको आईज के लिए होल भी बनाना है, तो इस तरीके से हमने इसमें क्या कर दिया, आईज के लिए होल कर दिए और इसको हम आईब्रो के जैसे ब्लैक कर देंगे, ठीक है। अब ये तो एक सेम सिमेट्री में कट गया, अब इसी के जैसे हमको दूसरा भी तो काटना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इसके ऊपर ऐसे होल कर लेंगे, इस तरीके से इसके ऊपर प्लेस कर देंगे एज इट इज, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, इसको इस तरीके से होल्ड करेंगे और इस पे हम पेंसिल को चला देंगे, तो सेम डिजाइन कहाँ पे, पीछे वाले पेज पे भी आ गया, आ गया, दिखा। अब इसको हम क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। अब कट करने के लिए आपको या तो आप कैंची से भी कर सकते हो या फिर आपको कटर यूज करना पड़ेगा। तो कटर अगर यूज कर रहे हो तो आपको पेंसिल के जैसे, यानी आप नहीं करोगे, मम्मी या पापा से करवाओगे, ठीक है। अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर आपके लिए एक दूसरी टेक्निक, इसके बीच में पेंसिल इस तरीके से चला दो, ठीक है। और आपके पास जो भी सीजर होगी तो सीजर से, छोटी वाली सीजर होगी ना आपके पास में, तो इस तरीके से इसको कट करोगे और डिजाइन कट कर लोगे। मैं आपको कट करके दिखा देता हूँ, तो इस तरीके से आप इसको क्या कर लोगे, कट कर लोगे और ये ऐसे आईब्रोज इसकी ड्रॉ कर लोगे। अब मैं इसको ब्लैक कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। ये इस तरीके से हमने इसको ड्रॉ कर लिए। अब इसको हम क्या करेंगे, स्टिक करना है हमको, तो स्टिक करने के लिए हमको क्या लगेगा, क्या लगेगा, फेविकॉल, यस। इस तरीके से हम फेविकॉल लगा देंगे, ये लगा
और इस तरीके से, इस वाले पोर्शन से आप इसको ज्यादा दूर नहीं लेके जाओगे, नहीं तो फिर क्या होगा, आपकी आंखें यहाँ पे आएगी और ये जाएगा उधर, इस तरीके से ये हो गया। अब इसको हम ऐसे खोल लेंगे और इस साइड वाले पे भी हम थोड़ा सा फेविकॉल लगा के इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अब लगाते समय एक चीज ध्यान रखोगे, दोनों के दोनों सेम डिस्टेंस पे, सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन से दोनों सेम डिस्टेंस पे लगेंगे, ठीक है, इस तरीके से ये लग गया। अब इसके बाद में हमको क्या करना है, ये तीन है, ये तीनों को भी लगाना है, तो इसमें भी इसके ऊपर में अब इसको सूखने देते हैं, इसके ऊपर में ये लग गया, वापस इसके ऊपर में ये दूसरा वाला लग गया, ठीक है। अब ये तो हमारे काम आएगा नहीं, तो अब इसके लिए हमको दूसरा बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसमें भी ये सेंटर में लगा लेंगे इस तरीके से, ये लग गया। अब ये जो लगाएंगे हम लाइट वाले, तो ये इसके थोड़ा नीचे की तरफ से रखते हुए लगाएंगे, कैसे, थोड़ा सा नीचे की तरफ, यानी ऊपर वाला पोर्शन ज्यादा दिखेगा, ये थोड़ा नीचे आ गया ऐसे, ये थर्ड वाला, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहां से स्टिक करेंगे, ये वाला लगाए, ये वाला फर्स्ट वाला सेंटर में लगा, सेकंड वाला इस साइड में लगेगा, ये अब यहाँ पे आप ज्यादा इस पे ग्लू नहीं लगाओगे, ठीक है, और इस पे आप ग्लू ज्यादा नहीं लगाओगे, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, पीछे में भी चिपक जाएगा वो, ये इसके साइड से ही, ये गैप इधर कम इधर ज्यादा है, ठीक है, सेम ऐसा ही इस वाले में भी करना है, यहां पे थोड़ा और इस डायरेक्शन में। अब ये बच गई इसकी नोज, तो इसकी नोज आएंगी यहां पे, नोज को चिपकाने के लिए स्पेस हमारे पास ज्यादा नहीं रहेगी, तो इसको हम ऐसे चिपका देते हैं, टेढ़ी हो गई इसकी नोज, ठीक है, ये बन गया हमारा। अब इसमें से जिसको भी देखना है तो इसको भी कट कर लोगे आप, ठीक है, जैसे ये इसमें से हमने कट करके निकाले वैसे इसको भी कट करके निकाले, तो अभी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, ठीक है। अब देखो ये बन गया हमारा मास्क, अब यहां पे क्या करोगे, इसको पहनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे होल दोगे आप, ठीक है, यहां पे होल दोगे और इसको थ्रेड बांधो, सुतली बांधो, इलास्टिक बांधो, जो चाहे वो बांधो, लेकिन इसको बनाओगे और पहनोगे और फिर अपनी फोटोज ग्रुप में अपलोड करोगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।